भारत देश में अंधविश्वास किस कदर व्याप्त है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण सिंगरौली में देखने को मिला। यहाँ एक सनकी पति ने पूजा पाठ के चक्कर में अपनी ही पत्नी की बहरहमी से हत्या कर उसके सर को देवी माँ पर बलि चढ़ा दिया। सनकी तांत्रिक पति बना हत्यारा, तंत्र मंत्र में पत्नी को चढ़ाया बलि। रहवासी दरिंदगी देखकर डर से सहमे। आप जो ये खौफनाक नजारा देख रहे हैं, ये है सिंगरौली कोतवाली थाना अंतर्गत बसोड़ा गांव। यहां ब्रजेश केवट ने अंधविश्वास पूजा पाठ के चक्कर में अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने इस बहरहमी से पत्नी की हत्या की कि देखने वाले लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आरोपी बीती रात में जब वारदात कर रहा था, तब उसके बेटों ने बीच बचाव किया तो आरोपी अपने बेटों को भी धमका कर भगा दिया। उसी वक्त आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। वारदात की जानकारी लगने पर एसपी वीरेंद्र सिंह कोतवाली थाना प्रभारी अरुण पांडे, चौकी प्रभारी वीरेंद्र पाठक घटनास्थल पर पहुंचे तो वो भौचक्के रह गए। बताया जा रहा है कि आरोपी तंत्र मंत्र के चक्कर में हमेशा रहता था, घर के अंदर ही एक चेहरा बना रखा था, जानवरों की कई बार बलि भी चढ़ा चुका था। आरोपी बकरी की बलि चढ़ा रहा था तो आरोपी की पत्नी ने मना किया। आरोपी ने पत्नी को ही बहरहमी से मौत के घाट उतार कर बलि चढ़ा दिया। सनकी घर के अंदर जहां पूजा पाठ करता था, उसी चेहरे पर पत्नी का सिर बलि चढ़ाकर घर से फरार हो गया। आज दिनांक को रात्रि करीबन 2:30 से 3 बजे के बीच की घटना है ग्राम बसोड़ा की। ब्रजेश केवट आरोपी है, जो कि रात्रि करीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में अपनी पत्नी बिट्टी केवट को धारदार हथियार से मारपीट कर रहा था। उस समय उसके दोनों पुत्र मनोज केवट और शुभेंदु केवट जग गए थे। उनके द्वारा रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन आरोपी उनकी बात को नहीं माना और उनको भी धमकाया। तब वो दोनों भाग गए और इस बीच उसने धारदार हथियार से महिला के सिर में और गर्दन में प्रहार करके उसकी हत्या कर दिया और उसको उसके शव को जहाँ वो पूजा पाठ करता था वहाँ गाड़ दिया था। प्रथम दृष्टया तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या का प्रकरण प्रकाश में आया है। पुलिस द्वारा हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर गंभीरता से अनुसंधान किया जा रहा है। कोतवाली थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल हत्यारा ब्रजेश केवट फरार है, जिसके लिए पुलिस की लगातार दबिश जारी है। जल्दी ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।